वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज हमारे तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। तो हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे आज हम लोग बनाने वाले है। वैसे तो सबके घर पे स्वीट डिश बनती है और सब अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो अम्मी ने अपनी स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ सोचा कि शेयर कर दूं। तो अम्मी क्या बनाने वाले बताओ? नारियल के लड्डू। हाँ, तो बहुत से लोग जिसे कोकोनट लड्डू कहते हैं, नारियल के लड्डू, जो हम तो नहीं बोलूंगा, यानी कि मैं खास करके ना बचपन में स्टोर में, यानी कि कोई भी नॉर्मल किराना शॉप में जाता था और वहाँ पे ना एक नारियल का लड्डू हुआ करता था, जिसके ऊपर ना ऐसे सूखे सूखे नारियल भी रहते थे। वो खाने में बहुत मजा आता था। अभी वो लड्डू मिलते नहीं, तो मैंने अम्मी को बोला, अम्मी चलो कुछ नया बनाते हैं। अम्मी बोलते चल फिर अपन बनाते आज नारियल के लड्डू, है ना अम्मी? हाँ, तो रक्षाबंधन भी है तो स्पेशल रक्षाबंधन के लिए हो जाएगा। हाँ, तो चलो फिर नारियल की रेसिपी, सॉरी नारियल की लड्डू की नारियल के लड्डू अम्मी कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले लगेगा हमको 2 वाटी पिसा हुआ नारियल, दूध का पाउडर, शक्कर, इलायची पाउडर, घी, जाफरा। तो चलो आओ मेरे साथ बनाने के लिए शुरू करो मीठे मीठे लड्डू। तो मैंने गैस चालू कर दी, कढ़ाई रख दी हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, सिर्फ 2 चम्मच डालना है, छोटे छोटे, ज्यादा नहीं डालना है। पता है ना क्यों? क्योंकि कोकोनट में भी तेल रहता है और ये ना सूखा खोपरा है, सूखा खोपरा। नहीं तो आप लोग बोलेंगे ये क्या डाल रहे हैं, ये सूखा खोपरा है भुना हुआ, ये रेडीमेड मैंने दुकान से लाई हूँ, मैंने घर में नहीं करी हूँ, दुकान से मिलता है। आप पूछेंगे ना कि पिसा हुआ नारियल दीजिए तो मिल जाएगा आपको आराम से। और अगर हाँ, जिसको नहीं मिल रहा है दुकान से पिसा हुआ नारियल, तो आप अपना खोपरा खिसनी से खिरच के आराम से उसको मिक्सर में बारीक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मैंने 2 वाटी नारियल ली हूँ, 250 ग्राम। अब इसको भूनने का, कंटिन्यू भूनना है, हाथ नहीं रोकना चाहिए नहीं तो ये जलने लगेगा, ठीक है? तो देखो 5 मिनट से मैं इसको भून रही हूँ अच्छा घी में, और स्लो आंच पे भून रही हूँ, फास्ट गैस पे नहीं, स्लो आंच पे ही भूनना, नहीं तो खोपरा बहुत जल्दी जलता है, ठीक है? अब हम इसमें क्या करेंगे, दूध डालेंगे धीरे 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 धीरे। 1 वाटी दूध ना? हाँ, 2 वाटी नारियल में 1 वाटी दूध। दूध से क्या हमारे लड्डू अच्छे नरम बनेंगे। अब थोड़ा मीडियम कर लेंगे गैस, थोड़ा सा हमने दूध डाले ना, नहीं तो दूध डाले बिना ना फास्ट गैस पे नहीं भूनना, बहुत जल्दी से जलने लगता है। और मैंने ये डिश इसलिए चुनी हूँ आप लोगों के लिए आज के लिए, क्योंकि ये झटपट बन जाएगी, सब अपने भाइयों के लिए बनाएंगे फटाफट, 1 घंटा गैस के पास खड़े गए तो लड्डू तैयार हो जाएंगे, मिठाई विठाई लाने की जरूरत ही नहीं है, जाके बाहर से खाली राखी मंगवा लो, फटाफट लड्डू बनवा लो 1 घंटा खड़े रह के। इसके लिए तो देखो हो गया ना, सूख गया मेरा दूध, पूरा सूख गया है मेरा नारियल, अच्छे से पक गया है, ठीक है? अब हम इसमें क्या करेंगे, अब डालेंगे हम 1 वाटी शक्कर, है ना? चलो अब ये हिलाते रहेंगे, कम से कम इसको 10 मिनट लगेगा क्योंकि ये पतला हो जाएगा, अभी शक्कर डाले तो शक्कर पिघलने लगेगी, तो थोड़ा इसको शक्कर के साथ पकाएंगे, पूरा इसका बाइंडिंग अच्छे से होना चाहिए ना जब तक भूनेंगे। शक्कर मेल्ट होते रहेगी, पिघलते रहेगी, वैसा वैसा ये पतला होगा। तो देखो शक्कर डालने के बाद मैंने इसको 7 मिनट से भून रही हूँ, लेकिन अभी तक इसने कढ़ाई पूरा छोड़ा नहीं है, ठीक है? अभी भी देखो चिपचिपा है, अभी इसको और भूनना पड़ेगा जब तक पूरा कढ़ाई एकदम छोड़ नहीं देता है ना, अभी तक इसमें थोड़ा थोड़ा शक्कर का पानी लग ही रहा है मुझे, तो थोड़ा सा मैं अब इसको और 5 मिनट भूनती हूँ। जब तक हम क्या कर देंगे, हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, ये है ना? हाँ, अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब हमारा जो है ये मिल्क पाउडर, ये भी डालेंगे क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा सा इसमें है अभी शक्कर का, तो थोड़ा ये भी डाल देते हैं जब तक।
हाँ मस्त। अब मिल्क पाउडर डालने के बाद में थोड़ा ये सूख भी जाएगा, शक्कर का पानी सोख लेगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो चलो देखो अच्छे से मिक्स हो गया ना मेरा दूध का पाउडर डालने के बाद। दूध का पाउडर डालने के बाद तुमको ज़्यादा नहीं पकाना है, ठीक है, सिर्फ बस ये बर्तन छोड़े तक भूनना है। अब मैं इसको निकाल दूंगी एक बर्तन में ठंडा होने के लिए और गैस करेंगे बंद। तो देखो मैंने पूरा ये ना मिक्सरन लड्डू का ठंडा करी हूँ, लेकिन ठंडा एकदम ठंडा नहीं तो हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। ठंडा बोले तो है, गर्म है। अभी हम क्या करेंगे, हाँ हमको जितना साइज चाहिए हम उतने का ले लेंगे और मस्त में लड्डू बना लेंगे। अभी भी गर्म है ये, क्योंकि ज़्यादा ठंडा करने से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो लड्डू नहीं बनेंगे। और मेरा ये जो लड्डू का मिश्रण है थोड़ा सा शक्कर हम ज़्यादा डालते ना, तो वो हिसाब से अब आप शक्कर अपने हिसाब से डाल देना, है कि नहीं। तो देखो मेरा लड्डू तैयार हो गया, एकदम हल्के हाथ से बनाना है हमको, ज़्यादा दबाना नहीं, क्योंकि एकदम सॉफ्ट लड्डू बने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमने यहाँ पे ना सूखा नारियल अलग से ले लिए है बारीक। अब हम इसको एकदम धीमी हाथ से गोल 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 फेर लेंगे। ये हो गया हमारा नारियल का लड्डू। अब हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे यहाँ। अब हम दूसरा ले लेंगे, ठीक है। इसको ज़्यादा जोर नहीं लगाने की ज़रूरत है, बस धीमी हाथ से। देख रहे हैं आप लोग, पहले इसमें घी है और फिर नारियल अपना तेल अलग से छोड़ता है, तो एकदम धीरे हाथ से। तो बन गए लड्डू मेरे। तो देख रहे हैं आप लोग, लड्डू मेरे तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे नीचे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा ज़ाफरान डालेंगे और इसको थोड़ा सजा लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों खोपरे के लाडू रेडी हो चुके हैं, रक्षाबंधन स्पेशल। तो देखो आज हम लोग ने कोई प्लेट वेट लिया नहीं है, चॉपिंग बोर्ड। अब मैंने इस पे डेकोरेट कर देते तो मेरा रहने दो, इस पे ये अच्छा लग रहा है, लेकिन अपनी आदत है जो चीज अच्छी लग रही ना उसे वैसी छोड़ देते। तो चलो यार बहुत ही सॉफ्ट खोपरा ही नहीं पता मतलब है, तो पूछते कि खोपरा क्या होता है। तो गाइस खोपरा मींस कोकोनट, और इसको मैं बताई हूँ ना कि मिक्सर में पीस के भी बना लेना, तो गिल्ला खोपरा मत पीसना, सूखा खोपरा। जो स्टार्टिंग में अम्मी ने जो डाले ना दो वाटी खोपरा फ्राई था, वो यानी कि ना हमने रेडीमेड लाए थे शॉप से, तो अगर जिसके पास नहीं है तो वो ना सूखे खोपरे को मस्त है ना हमें तवे पे फ्राई करने के बाद पीस सकता है ना, यानी पीसने के बाद तवे पे फ्राई करोगे तो वो रेडी हो जाएगा। तो यानी कि ये जो ऐसी रेसिपी ना एकदम झटपट और बहुत ही कम सामग्री लगती है ये लड्डू बनाने के लिए। सही बोलो तो इसमें मैंने कुछ भी बाहर से नहीं लाया। हाँ सीरियसली, कोकोनट का ये पाउडर मेरे घर में हमेशा रहता है। हाँ तो मैं बोली चलो रक्षाबंधन है, ये बोल रहा है अम्मी रक्षाबंधन के लिए कुछ लड्डू वड्डू तैयार करेंगे, तो मैं बोली कोकोनट घर में है, कोकोनट पाउडर भी है, मिल्क पाउडर भी है, जो घर में है चलो जूसी जूसी लड्डू बने हैं मेरे, पता है आप लोगों को। सही में बहुत ही मस्त बनाया है मैंने, बहुत मीठे बने माशाल्लाह। वाओ शुगर ना भाई, शुगर चीनी शक्कर अपने हिसाब से डालना, जो ज्यादा मीठा खाते हैं वो एक बाटी पूरा डालिए। मेरे घर में मीठा खाते ना ज्यादा, तो मैंने एक बाटी भर के डाली हूं, दो बाटी कोकोनट है तो एक बाटी शक्कर ली हूं। अगर आपके घर में मीठा कम खाते हैं तो पौना बाटी देना, फुल बाटी से आधे कप से थोड़ा ज्यादा। हां तो दोस्तों रक्षाबंधन के स्पेशल में हमने बनाया है खोपरे के लाडू। तो यार ये रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है ना कि ये सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है, देखा जाए तो सभी लोगों का है ये रक्षाबंधन, जितने भी दुनिया में भाई बहन है का ये वो, हाँ ये वो लोगों के लिए त्यौहार है। तो गाइस आपके भी भाई बहन जो भी हो गए आपस में ऐसे ही प्यार बरकरार रखिए, और जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि रियाज भाई मेरा कोई भाई नहीं है आज से मैं तुमको भाई बोलती हूँ, तो उन सब मेरी बहनों के लिए हैप्पी रक्षाबंधन और ये लड्डू आप लोगों के लिए। हाँ तो ये बहुत ही इजी रेसिपी झटपट वाली, इस बार इस त्यौहार में क्यों ना भाई को हम अपने हाथ से लड्डू बना के खिलाया जाए, बाहर मत जाइए, कोरोना चल रहा है, दुकान भी बहुत ही बंद है, मिठाइयों की दुकानें भी बंद है, तो पैकिंग वेकिंग करके निकाले तो होंगे मिठाई वालों ने,
अपने जो भी स्टॉक पड़ा था वो निकाल निकाल के तो बेचेंगे, लेकिन वही मिलेगा फिर जो रखा हुआ माल। लाड्डू तो हमें बहुत ही मस्त और ताजे ताजे लड्डू अपने भाइयों के लिए आप बना सकते हैं, और बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही झटपट वाली रेसिपी, सही में इसको ज्यादा टाइम नहीं लगा ना हमें, बहुत फटाफट बना, आधे घंटे में मेरे लड्डू तैयार हो गए। सही में बहुत इजी रेसिपी है, मैंने शेयर कर दी। तो गाइस देखो, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में या तो ये भाई को लड्डू शेयर कर दिए हमारा वीडियो यार, बोल लो इतने सारे लड्डू भाई को शेयर कर दो, ठीक है। यानी ये फैमिली फ्रेंड्स जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट हो गए, प्लीज रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो हो सके तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, जैसा भी बनाई हो ट्राई करके फोटो भेजना, बताना, खाके कमेंट करना। हाँ तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से गाइस। हैप्पी रक्षा बंधन, हैप्पी रक्षा बंधन उन सब बच्चों को जिनके घर वाले बहुत दूर है, जो जा नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ सबको हैप्पी रक्षा बंधन। चलो फिर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए, टाटा, दुआ में याद रखो।